प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मैं विनोद नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सुनील बब्बर जी का धन्यवाद करता हूं, कैलाश मासूम का धन्यवाद करता हूं और अपने पूरे मीडिया टीम को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आज एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री जो हमने बनाया गाना के माध्यम से, हमको है अभिमान देश पे, उसके लिए मुझे सम्मान किया गया। ये बहुत ही बड़ी बात है और मैं तहे दिल से सब लोग को धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह का डॉक्यूमेंट्री, चाहे सॉन्ग चाहे मैसेज, बनाना चाहिए, अपने देश के लिए बनाना चाहिए। और इस एक मैसेज जो है किसी प्रकार का भी कार्य का मैसेज हो, मैंने उससे डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ इतना ही दिखाया था कि जो झंडा गिरते रहता है वो झंडा ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र का अमानत है और वो देश का एक प्रतीक है। तो जिस चीज़ के लिए एक माध्यम, छोटा सा माध्यम के द्वारा लोग को पता चल गया कि भाई ये चीज़ गलत है, उसको हम लोग ये कर सकते हैं। तो आप लोग से मेरा आग्रह है कि यूट्यूब के माध्यम से, मैंने मोबाइल से बनाया, आप लोग अपने मोबाइल से, छोटा कैमरा से किसी प्रकार का भी मैसेज अगर देना चाहते हैं और अगर आपके दिमाग में क्रिएटिव कोई चीज़ है, तो विनोद नेगी जी जो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में जो सबको आमंत्रित करते हैं, अगले साल आप भी आइए, आप भी उसमें अपना ये पार्टिसिपेट कीजिए और निश्चित आप लोग को भी सम्मान मिलेगा। बात देना चाहूँगा क्योंकि एक अच्छी कोशिश है, शॉर्ट फिल्म के ज़रिए बहुत सारे नए कलाकारों को काम करने का मौका मिलता है। हम लोगों की शुरुआत हिंदी बड़ी फिल्मों से थी, बहुत संघर्ष था उस ज़माने में, आज बड़ा आसान हो गया, फिल्म के साथ साथ टेलीविज़न शॉर्ट फिल्में, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और लोगों को काम करने का जरिया जो है एक बड़ा अच्छा। तो नेगी जी वगैरह की जो कोशिश है पारस जी की, उनको मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और ऐसे फंक्शन होते रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग काम करते हैं उनको अगर उनकी हिम्मत अफजाई होती है तो उनको आगे काम करने का और एक ज़रिया होता है, एक काम करने की हिम्मत मिलती है। तो बहुत बहुत मैं अपनी तरफ से, और इसीलिए मैं ख़ास तौर से आया था इनके प्रोग्राम को अटेंड करूँ, 3 साल से बात चल रही थी, लेकिन आज ऐसे मौका मिला आया। और ये बड़ी अच्छी शुरुआत है, शॉर्ट फिल्म वालों को बढ़ावा मिलेगा, ये कार्यक्रम इन्होंने बहुत अच्छा ये शुरू किया है कि अभी तक लोग जितने भी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं यूट्यूब पर डाल देते हैं या गूगल पे या कहीं भी डाल के, बहुत सारे लोग तो अपना शौक ही पूरा करते हैं, लेकिन इन्होंने जो शुरुआत किया है ये अवार्ड दे रहे हैं और इस तरह के अवार्ड से लोगों को और बनाने की इच्छा जागृत होगी और सब बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर अच्छे लेवल पर शूट करेंगे। अभी तो बहुत सारी फिल्में बनने लगी है, सब शॉर्ट मूवीज़ और शॉर्ट फिल्में बहुत सारी बन रही है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है इनकी। केके जी 2017 जा रहा है, 18 आ रहा है, कैसा रहा 2017? अच्छा रहा, 2018 बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद भी आने वाला हर साल हम सब के लिए, आपके लिए गोविंद जी। मैं तो हूँ इसलिए क्योंकि मीडिया मेरे भाई है, मेरी जान है, इसलिए सबसे पहले मीडिया को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूँ आज अंधेरी में एक ऐसे जगह पे, मयर हॉल में, बहुत अच्छा हॉल है, यहाँ पे बहुत अच्छा ये प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम का नाम है मुंबई शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, जिसमें मुझे मौका मिला यहाँ पे वो डांस करने के लिए, और जो यहाँ पे जो बुलाया मुझे उसका नाम है विनोद नेगी साहब, बहुत अच्छे एक इंसान है, एक समाज सेवक है सर। कल्याण का डांस जब स्टेज पे होता है तो सांसें थमती हैं, एनर्जी कहाँ से आती है ऐसा क्या? ये डांस मेरा नहीं है, डांस उनका है और ये आप सभी का है, क्योंकि आप सभी की वजह से मैं डांस कर पाता हूँ और मेरी प्रभु की दुआ से, क्योंकि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ और आप सभी के आशीर्वाद चाहिए मुझे। और अभी एक दिन के बाद नया साल है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और प्लीज़ भाई लोग, भाई दारू मत पीना, दारू पी के ड्राइव मत करना, क्योंकि भाई ड्राइव दारू पी के हानिकारक है। तो भाई लोग सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और जाते जाते इतनी बोलता हूँ, भाई और बहनों आप लोग दारू मत पीना, क्योंकि दारू बहुत हानिकारक है। और मेरे जाते जाते बोलते जा रहे हो भाई, जितनी भी मीडिया है, ये मीडिया नहीं है, ये मेरा भाई है, मेरा यहाँ लव यू मीडिया,
लाइव में मेरे मीडिया के जितने भी कैमरे लगे वो खड़े रहते हैं, इन सभी को मैं सलूट करता हूँ क्योंकि उन्होंने दो दो घंटा वो लोग कैमरे लगे वो खड़े होते हैं। तो पूरी मीडिया को, तमाम यहाँ के मेरे फैंस को और साथ में विनोद नगी जी को, जिन्होंने बहुत खूबसूरत एक कार्यक्रम वो आयोजन किया है। लव यू ऑल मीडिया, लव यू। विनोद नेगी जी लगभग पिछले 30 सालों से ये अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं और उनका एक मैगजीन है पराज, उसके नाम से ये अवार्ड होता है और इसमें उन लोगों को सम्मानित करते हैं जिनको बड़े लेवल पर, बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जो बड़ी मीडिया के सामने नहीं आ पाते हैं या उनको चांस नहीं मिल पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है। तो ऐसे लोग जो बहुत बड़े समारोह में सम्मानित नहीं हो पाते हैं बट उनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, ऐसे लोगों को विनोद नेगी जी कई सालों से सम्मानित करते आए, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और समाज के जो उभरते हुए कलाकार हैं और हर फील्ड के टैलेंटेड लोग हैं उनको ये सम्मानित करते हैं। तो पराज अवार्ड के लिए विनोद नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हैं। मेरे भाई भी हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं, ये बहुमुखी प्रतिभा हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो लगन से और निष्ठा से काम करते हैं और वहीं उनके अपने लिए खुद जमीन तलाशते हैं और उनकी जगह खुद बन जाती है। अवार्ड तो मिलते रहते हैं उनको कई, हमने उनको सम्मान दिया है। इस बात को लेकर सम्मान किस बात से प्रेरित हुए हैं? जब मैं इस फेस्टिवल की तैयारी कर रहा था आज से 5 साल पहले, तो विशाल जी ने जो मुझे जो इंस्पायर किया था, तब से आज तक जो है सतत जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के राय लेते रहते हैं, इंस्पायरेशन लेते रहते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे जो लोग हम जैसे लोगों को इंस्पायर करते हैं, हमें भी तो कभी जो है उसका कर्ज चुकाना चाहिए, और ये सोच के जो है हमने एक सही सम्मान सही व्यक्ति को दिया। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।